हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 17। ठीक, हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है टॉपिक। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए थे सभी के लिए, सभी नंबर्स के लिए, ठीक, 16 तक। अब हम लोगों को क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ना है 17 के लिए। ठीक, अगर 17 के लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहा है तो हमें हमारा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई भी नंबर हमें पूछा जाए कि क्या वो डिविजिबल है 17 से, किससे, 17 से, ठीक, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। प्रोसेसर ये रहता है कि जो हमारी यूनिट प्लेस पे डिजिट है, कहाँ पे यूनिट डिजिट है, ठीक है, वंस प्लेस वाली जो डिजिट है उसे क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं हम लोगों के पास, क्या रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं उन दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। ठीक, अगर वो डिफरेंस क्या होता है 17 से डिविजिबल है तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है, डिविजिबल है, किससे, 17 से। ठीक, किससे डिविजिबल है, 17 से। क्लियर, देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल कौन सा है, 34। हमें डायरेक्टली ये तो पता है कि 17 इंटू 2 क्या है, 34, मतलब क्या है, 17 डिविजिबल है किससे, 34 से। ठीक, हमने क्या किया, 4 को जो हमारी यूनिट डिजिट है, 4 क्या है, यूनिट डिजिट, इसे मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से, कितना आया हम लोगों के पास, 20। और हमारे पास नंबर कौन सा था, 3, हमारे पास नंबर था 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा हम लोगों के पास, 17। क्या 17 17 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। हमने क्या किया, जो वंस प्लेस वाली यहाँ पे यूनिट डिजिट है उसे क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, हम लोगों के पास जो आंसर आया उसका और जो रिमेनिंग नंबर्स बचे थे उसका क्या किया, डिफरेंस ले लिया। अगर डिफरेंस क्या हुआ, 17 से डिविजिबल है, तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ वो नंबर क्या है, डिविजिबल है किससे, 17 से। क्लियर। नंबर टू क्या है, सॉरी, नंबर टू क्या है, 765, क्या है, 765। ठीक, हमने क्या बोला, यूनिट डिजिट वाली नंबर को क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 5 से, कितना आ गया, 25। ठीक, हम लोगों के पास नंबर कौन सा है बचा हुआ, 76। ठीक, कौन सा है, 76। हमने 5 को जो कि यूनिट डिजिट है या फिर वंस प्लेस है उसे क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 76 माइनस 25 किया हमने, कितना आ गया, 51। क्या 51 डिविजिबल है, क्या 51 डिविजिबल है, किस चीज़ से, 17 से, हाँ बिल्कुल है। 17 इंटू 3 क्या है, 17 इंटू 3, या फिर हम लोग क्या करें, जो लास्ट वाली डिजिट है उसे क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 5। और 5 और 5 का डिफरेंस ले लें, 5 और 5 का डिफरेंस ले, कितना हो जाएगा, 0। या तो यहाँ से कर ले, ये तो एकदम क्लियर है हम लोगों के पास, 17 इंटू 3 कितना होता है, 51 होता है, ये छोटा सा नंबर 17 के टेबल में ही आता है। ठीक, अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम कंटिन्यूसली क्या करते जाएंगे, उसे रिड्यूस करते जाएंगे जब तक हमें ये ना पता लग जाए कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक, अगर हमें क्लियर नहीं होता है 51 से, हमें टेबल नहीं पता है 17 का, वैसे तो पता होगा लेकिन अगर मान लो नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 51 आया, यूनिट डिजिट को क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 5, और बची हुई डिजिट कौन सी थी हम लोगों के पास, 5, 51 में से 1 हो गया यूनिट प्लेस, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5, बची कौन सी डिजिट, 5, 5 और 5 का डिफरेंस लिया, 0, यस, 0 में भी डिविजिबल बाय, 0 मस्ट बी डिविजिबल एनी नंबर। ठीक, 0 क्या है, किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाता है। क्लियर, लेते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल कौन सा है, 9945, थर्ड नंबर कौन सा है, 9945। ठीक, हमने क्या किया, ये जो 5 दिख रहा है हमें यूनिट प्लेस पे, उसे मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 25। अब नंबर कौन सा हो गया हम लोगों के पास, 994 था। ठीक, अब हमने क्या किया, 994 और 25 का डिफरेंस ले लिया, क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। ठीक, डिफरेंस कितना आया हम लोगों के पास, 994 माइनस 25 कितना आता है, 69। ठीक, 969। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या बचा, 9 आ गया, यहां से भी अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, कितना हो जाएगा, 45। ठीक, हम लोगों के पास नंबर कौन सा बचा था, 96। हमने क्या किया, इन दोनों का क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया,
अगेन डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस तब तक लेते जाना जब तक हमें ये कंफर्म या फिर 100% श्योरिटी नहीं हो जाए कि वो 17 से डिविजिबल है। ठीक, कितना होगा 51 होगा ये। क्या 51 डिविजिबल है? हाँ, 17 इंटू 3 टाइम्स। तो क्या है ये नंबर डिविजिबल है किससे? 17 से। क्लियर है बात? आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला कौन सा एग्जाम्पल है? 59670। क्या है? 70। ठीक, हमने क्या किया, यहां तो जीरो दिख रहा है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या होगा, जीरो इंटू फाइव कितना होगा? जीरो। यहां पे कोई साइंस नहीं है, लेकिन यहां पे हमारे पास अच्छी बात ये क्या है कि जीरो को हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जीरो को हम हटा सकते हैं यहां से। क्यों? हमारे पास नंबर कौन सा बचा यहां पे? 5967। हमने क्या लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस कितना आया? 5967 आया। मतलब हमने क्या किया, नंबर क्या बना लिया, 59670 से रिड्यूस कर लिया 5967 में। क्या कर लिया? रिड्यूस कर लिया। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या बचा? 7। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 35। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या था हम लोगों के पास? 596 था। हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेने के बाद क्या आया डिफरेंस? 500 and 561। ठीक, अब हम लोगों के पास क्या है? 1। ठीक, 1 का क्या किया हमने? 1 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 into 5, 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 5। हमारे पास नंबर कौन सा था? 56 ऑलरेडी था। ठीक, हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया? 56 - 5 दैट इज 51। ठीक, क्या 51 डिविजिबल है? यस, 51 इज डिविजिबल बाय 17। तो हम लोगों ने क्या पता कर लिया कि हाँ, ये नंबर 17 से क्या है? डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है। क्लियर? देखते हैं अगला एग्जाम्पल कौन सा है। अगला एग्जाम्पल है फिफ्थ नंबर वाला हम लोगों के पास, 3429। ठीक, हमने क्या किया, 9 को मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना आया? 45। ठीक, हमने क्या लिख दिया, 342 ऑलरेडी था, 9 का मल्टीप्लाई किया। ठीक, क्या आ गया हम लोगों के पास दोनों का डिफरेंस? क्या ले लिया? डिफरेंस ले लिया, कितना आ गया? 342 - 45 कितना आता है? 297। क्या यहां से पता लग पा रहा है? नहीं लग पा रहा है। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, कितने से? कितने से मल्टीप्लाई कर दिया इसको हमने? 5 से। कितना आ गया? 35। कितना आ गया? 35। हमारे पास था 29, हमने क्या किया, 35 ले लिया, दोनों का क्या ले लिया? डिफरेंस ले लिया। कितना आया? डिफरेंस लेना मतलब 35 - 29 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 35 बड़ा है, कितना आ गया? 7। क्या ये डिविजिबल है 17 से? नहीं। तो ये नंबर क्या है? 17 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल 17 के लिए क्या पढ़ लिया कि जो यूनिट प्लेस वाली डिजिट है, ठीक, क्या है, जो यूनिट्स प्लेस वाली डिजिट है उसे क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है, और जो रिमेनिंग नंबर से उनसे क्या करना है? सब्सट्रैक्ट कर लेना है, मतलब दोनों का डिफरेंस ले लेना है। दोनों का डिफरेंस लेके अगर हमें समझ आ जाता है उसी टाइम की क्या ये डिविजिबल है, जैसे हम लोगों ने इस केस में किया, यहाँ 7 बना लिया हमने, 0 into 5 किया 0, 5967 में से 0 माइनस किया कितना है? 5967। फिर लास्ट वाली यूनिट डिजिट लिए हमने, क्या 5 से मल्टीप्लाई किया, 35 आया, जो रिमेनिंग नंबर था 596 उसमें से क्या किया? सब्सट्रैक्ट किया, कितना है? 561। यहाँ से भी अगर समझ नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाली वन प्लेस वाली या फिर यूनिट प्लेस वाली डिजिट है उसे 5 से मल्टीप्लाई किया, आया 5, रिमेनिंग डिजिट कौन सी थी? 56। कौन सा नंबर था? 56। ठीक, 56, 56 में से 5 माइनस किया कितना है? 51। क्या 51 को हमें पता है कि डिविजिबल है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, 17 इंटू 3 कितना होता है? 51। क्या होता है? 51। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है, स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्योंकि बाकियों का तो हमने ऐसे याद कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेते हैं। स्टेटमेंट क्या रहेगा?
स्टेप वन, पहली स्टेप कौन सी है? मल्टीप्लाई यूनिट्स डिजिट बाय बाय फाइव। स्टेप टू क्या है? टेक डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग डिजिट विद द रिजल्ट विद द अबव रिजल्ट। जो ऊपर वाले रिजल्ट आएगा उससे क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, ठीक। एंड चेक फॉर डिविजिबिलिटी। Again follow steps. If can't find the divisibility, अगर divisibility पता नहीं लग रही है तो क्या करेंगे? फिर से follow steps करेंगे, ठीक। Clear क्या करना है? सबसे पहले multiply units digit by 5, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका क्या लेना? डिफरेंस लेना। टेक डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग डिजिट विद द अबव रिजल्ट एंड चेक फॉर डिविजिबिलिटी। अगेन फॉलो स्टेप्स इफ कांट फाइंड द डिविजिबिलिटी। अगर हमारे पास पता नहीं पा रहा है डिविजिबिलिटी के लिए कि क्या वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? ये वाली स्टेप्स दोबारा फॉलो करेंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर। अब तक हम लोगों ने क्या कर लिए हैं? डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ लिए हैं सभी नंबर्स के लिए, ठीक। जिन नंबर्स को बारे में नहीं पढ़ा है, जैसे 88 हो गया, 72 हो गया, 44 हो गया, 24 हो गया, ठीक, तो इन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोग को प्राइम नंबर्स ले लें, ठीक, जो कि क्या हो, ऐसे दो प्राइम को प्राइम नंबर्स ले लें जो क्या हैं, इनके फैक्टर्स हो, ठीक। हमने 17 के बारे में भी पढ़ लिया है। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली, ठीक। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाई 4 एंड 6 बोथ। Which are divisible by 4 and 6 both? क्या मतलब है इसका क्वेश्चन का? वो पूछना चाह रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि किसके बीच में है? 100 और 600 के बीच में, ठीक, बहुत सारे नंबर है, ठीक, लेकिन वो नंबर क्या होने चाहिए? 4 एंड 6 दोनों से क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए किन से? 4 एंड 6 से, ठीक, दोनों से क्या होने चाहिए? डिविजिबल होने चाहिए, ठीक। अगर हमसे किसी एक के बारे में पूछता तो हम लोग क्या कर लेते? हम लोग एपी लगा देते, ठीक, या तो 4 के बारे में पूछता तो एपी लगा के हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे? एन पता लगा लेते, ए पता लगा लेते फर्स्ट टर्म, उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस पता है जो कि क्या है? नंबर है, जिस नंबर का टेबल बनाना है हम लोगों को, ठीक, जिससे वो नंबर डिविजिबल हो, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है हम लोगों के पास? हम लोगों के पास गिवन है दो नंबर्स, ठीक है, और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि उसने लिखा है और, उसने बोला है कि 4 से भी होना है और 6 से भी होना है। क्या 4 से भी डिविजिबल होना है और क्या होना है? 6 से भी डिविजिबल होना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, देखते हैं। अगर वो सिर्फ हमसे क्या बोल देता कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाई 4, अगर हमारा क्वेश्चन इतना होता, यहां पर क्वेश्चन आके खत्म हो जाता, तो हम लोग क्या कर लेते उस चीज को? हम लोग लिखते कि 100 या फिर 100 से बड़ा ऐसा कौन सा 4 का मल्टीपल है जो कि क्या है? 4 से क्या है? डिविजिबल है, ठीक है, 4 से क्या है? डिविजिबल है। सबसे पहला नंबर हम लोग क्या कर लेते? फाइंड आउट कर लेते। सबसे पहला नंबर हम लोगों को हमें दिख रहा है 100, डिविजिबल है, ठीक। दूसरा नंबर कौन सा है? 104। तीसरा कौन सा है? 108। फोर्थ कौन सा है? 1012, 116, 120 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 600 तक,
क्लियर है बात, क्लियर है। 100 सबसे पहला नंबर है जो क्या है, डिविजिबल है किस चीज से, 4 से। 100 फोर्स के बाद फिर 108, क्योंकि 4 से डिविजिबल होना है, मतलब क्या चार चार का डिफरेंस लेना है हमें, ठीक। ये भी डिविजिबल है क्या, 102 डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, रिमाइंडर 2 आएगा क्या, 103 नहीं, बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर 3 आएगा क्या, 104 है, बिल्कुल है, कितना कितने टाइम्स है, 26 टाइम्स, ठीक। तो ये हम लोगों के क्या पास क्या बन गई, एक एपी बन गई, ठीक है। हमने किस चीज़ के लिए सॉल्व किया, हमने सॉल्व किया है 4 के लिए। अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोलता कि नंबर्स बताइए 100 और 600 के बीच में दो डिविजिबल है 4 से, अगर वो हमसे सिर्फ 6 के बारे में पूछता तो हम लोग क्या लिख देते, सबसे पहला नंबर कौन सा है 102, उसके बाद नंबर कौन सा है 108, उसके बाद नंबर कौन सा है 114, उसके बाद नंबर कौन सा है 120, उसके बाद नंबर कौन सा है 126, उसके बाद 132, उसके बाद 138, कहाँ तक है, यहाँ तो क्या हुआ 600 डिविजिबल हो रहा है। अगर नहीं होता तो क्या कर लेते हम लोग, देखते कि इससे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है, जस्ट छोटा, चाहे वो कितना हो 594 हो 598 हो, उससे जस्ट छोटा, ठीक, उससे जस्ट छोटा हम नंबर ले लेते। लेकिन यहाँ पे 600 क्या है, 6 से भी डिविजिबल है 100 टाइम्स। यहाँ पे एंड लगा है, एंड लगने का मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि वो 4 से भी होना चाहिए और 6 से भी, मतलब दोनों से होना पड़ेगा उसे डिविजिबल। लेकिन हम लोगों ने क्या अलग अलग अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, आंसर अलग अलग, ठीक। अगर 4 के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे 100 600 के बीच में जो क्या है, सिर्फ 4 से डिविजिबल है। अगर 6 के लिए बोलता तो हम लोग इन नंबर्स को लिख देते और बोल देते कि हाँ ये नंबर्स हैं, ये क्या है, 6 से डिविजिबल है, ठीक। और हम लोग क्या एपी लगा के क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते, क्या कर लेते, एपी लगा के, एपी यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेते इस चीज़ को। लेकिन अगर हमसे बोला गया है दोनों के लिए, 4 एंड 6 के लिए, ठीक, कौन कौन से नंबर्स हैं जो ऐसे आ रहे हैं, एक नंबर ऐसा है 108, दूसरा नंबर कौन सा है 120, ठीक। यहां पे अगर हम इसे कंटिन्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 124, 128, 132, कौन सा नंबर आ जाएगा हम लोगों के पास, अब 132 नंबर आ जाएगा जो क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक। ये कॉमन वाली चीज में एक चीज कॉमन है, क्या है कॉमन, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, ये क्या है 12 के डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है, 12 नाइन जब 108, 12 टेन जब 120, 12 इलेवन जब 132, ठीक। ऐसे कब तक जाएंगे, सबसे आखिरी में जो हम लोगों का कॉमन रहेगा वो रहेगा 600, ठीक, 12 फाइव जा 50 जा 600, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक। ये क्या हो गया 108, 120, 132, ये क्या है सबसे पहला सबसे छोटा नंबर जो कि क्या है 4 एंड 6 से डिविजिबल है, एंड बोला है मतलब दोनों से होना चाहिए, तो ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, ठीक, जो दोनों से डिविजिबल हो रहा है, ठीक। 108, 108, 120, 120, 132, 132, 600, 600, बाकी नंबर्स क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बाकी नंबर्स को हटा देंगे, बाकी नंबर हमारे क्या कुछ काम के नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे एंड बोला हमसे, क्या बोला गया है, एंड बोला गया है 4 एंड 6, मतलब दोनों से होने चाहिए, तो दोनों से होने चाहिए मतलब क्या, यहाँ भी आना चाहिए 4 के मल्टीपल में और 6 के मल्टीपल में भी आना चाहिए, 4 के मल्टीपल में और 6 के मल्टीपल में, जो नंबर्स कॉमन है यहाँ पे क्या है 600 4 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, 150 टाइम्स, और 6 से है कितना 50 टाइम्स, सॉरी 10 टाइम्स, ठीक। हम लोगों ने नंबर लिख दिए, कौन कौन से नंबर आ गए हम लोगों के पास, 6 एंड 4 के लिए 108, 120, 130, अब तो कहाँ तक, अगला नंबर कौन सा हो जाता, 144 हो जाता, कहाँ तक 600 तक, कहाँ तक हो जाता 600 तक, क्लियर है बात, कहाँ तक हो जाता 600 तक, ठीक। तो क्या हम लोगों के पास एक चीज़ इन सभी में कॉमन आ रही है, क्या है, ये सभी क्या है 12 के मल्टीपल है, 12 नाइन जा 12 टेन जा 11 जा 12 जा 12 का स्क्वायर है, 12 कितना 50 जा 50 टाइम्स, ठीक, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है चलते हैं आगे। अगर 12 कैसे आया यहाँ पे,
क्या हम ये सारे नंबर्स क्या करेंगे बार बार अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर्स लिख के कॉमन निकालेंगे क्या? यहां तक तो हमें कॉमन निकाल लिया, क्या हम 400 के बाद वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं, पूरे ब्लैक बोर्ड में भर देंगे क्या हम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। इसे हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास डिविजिबल बाय बोथ बोला है, बोथ 4 एंड 6, तो हम लोग क्या लेंगे 4 और 6 का क्या लेंगे? सबसे पहला काम यही करना है, एलसीएम लेना है क्या, टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, 4 एंड 6 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम क्या देगा हमारा, एच क्या देगा हमें, एलसीएम क्या देगा हमें, वो नंबर देगा जो क्या है दोनों में कॉमन है। ठीक, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे क्या ये मल्टीपल्स ही तो है, 4 के मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल हैं, अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल, ये भी मल्टीपल, ये भी मल्टीपल, मल्टीपल है। हमें क्या चाहिए 4 एंड 6 बोथ के लिए, हम बोथ के लिए मतलब कॉमन मल्टीपल चाहिए, कॉमन ही तो है, मल्टीपल भी है कॉमन भी है। सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, कितना होगा 4 एंड 6 का एलसीएम 12 होगा। ठीक, तो अगर वो जीरो से बोलता तो सबसे छोटा मल्टीपल हमारा कितना हो जाता, 12 हो जाता, क्या हो जाता, 12 हो जाता सबसे छोटा मल्टीपल। हम लोग सीरीज कहाँ से स्टार्ट करते, 12 से, 12, 24, 36, 48, 60, 72, लाइकवाइज। क्लियर, कहाँ तक जाते हैं हम, 600 तक जाते हैं, कहाँ तक, 600 तक। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि इंटीजर्स किसके बीच में, 100 एंड 600 के बीच में, 100 एंड 600 के बीच में, जो कि 4 एंड 6 दोनों से क्या हो, मल्टीपल्स हो, ठीक, मतलब डिविजिबल हो। ठीक, हमने तो क्या चाहिए, 100 से ज़्यादा वाला नंबर, 100 से अबव, ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, क्या 102, 106, 108, हाँ बिल्कुल 108 तो होगा ही 9 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारी सीरीज कहाँ से चालू होगी, 108 से, ठीक, 108, 120, 132, 144, 150, कितना हो जाएगा 144, 156, लाइकवाइज। कहाँ तक जाएंगे हम लोग, जाएंगे 600 तक, कहाँ तक, 600 तक। तो हमें क्या, हमने क्या किया, 4 एंड 6 से डिविजिबल वाले क्या कर लिए, एलसीएम ले लिया और वो सीरीज निकाल ली हमने। इन इन टाइप के क्वेश्चन से क्या होता है, एक सीरीज बन जाती है, एपी वाली सीरीज बनती है, इसमें क्या बनती है, एक सीरीज जो कि क्या रहती है, एपी में। ठीक, यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट टर्म क्या है, 108, ये सीरीज कैसे बन गई, हम लोगों के पास पता है क्या करना है हमें, इंटीजर्स फाइंड करना है या फिर नंबर्स फाइंड करना है दोनों के बीच में, हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, ये एक सीरीज क्या एपी, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 12 12 12 12, ठीक, लाइकवाइज। क्लियर है बात, फर्स्ट टर्म हो गई 108, लास्ट टर्म हो गई 600, कॉमन डिफरेंस क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के कितना है 12, डी कितना है 12, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन क्या, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि क्या है इनके बीच में है, 604 से डिविजिबल है। हमने क्या निकाल लिया, 604 से डिविजिबल वाली सीरीज निकाल ली, एक क्या कर ली, सीरीज निकाल ली। क्या हम ऐसे सॉल्व कर पाते, इसे 156, 168, 180, 192, 204, 2016, क्या इस टाइप से सॉल्व कर सकते थे क्या, नहीं, कितना लंबा हो जाता। हम लोगों ने एपी पढ़ रखा है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगे जो क्या है उसके बीच में है। क्लियर, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है, देखते हैं आगे। क्लियर, अब हम लोगों के पास ए कितना आ गया, 108, हमारे पास फॉर्मूला क्या है एपी का, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन क्या है हम लोगों के पास 600, ए क्या है 108, प्लस एन निकालना है हमें नंबर ऑफ टर्म्स, एन होती है नंबर ऑफ टर्म, डी डी क्या है कॉमन डिफरेंस, कितना हो गया ये 492, ये 12 यहाँ आया, कितना हो गया 12, ये कितना हो गया एन माइनस वन, 12 फोर 48 बचा कितना 1 इक्वल टू एन माइनस वन,
एन इक्वल टू कितना हो गया 42। मतलब हम लोगों के पास क्या आ गया, ऐसी टोटल 42 टर्म्स है जो क्या है 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल है, और वो किस नंबर्स के बीच में लाई करती है 100 और 600 के बीच में, 100 और 600 के बीच में, ऐसी 42 टर्म्स है जो क्या है 4 एंड 6 दोनों से क्या है डिविजिबल है, क्या है दोनों से क्या है डिविजिबल है। क्लियर, क्लियर है बात, एक बार और समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, बोथ 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होना है। अगर वो सिर्फ क्वेश्चन बोलता 4 से तो हम लोग ये सीरीज लिख देते, हम लोग फर्स्ट टर्म हो जाती 100, लास्ट टर्म हो जाती 600, कॉमन डिफरेंस आ जाता 4, क्योंकि 4 का टेबल चलाना है मतलब 4 का मल्टीपल चलाना है, कॉमन डिफरेंस हो जाता 4। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाल लेते हैं हम लोग कितने टर्म्स आ जाएंगे जो कि 4 से डिविजिबल है। क्लियर, अगर 6 की बात की जाए तो हम लोगों ने क्या किया, 6 का टेबल लिख लिया 100 से आगे कि सबसे पहला नंबर कौन सा है जो कि क्या हो 6 से डिविजिबल हो, क्योंकि हमें चाहिए कहां तक 100 से 600 के बीच में 102 108 1014 लाइक पास 600 तक। ठीक, हमसे बोला गया है 4 एंड 6 बोथ, 4 एंड 6 4 के लिए निकाला 6 के लिए निकाला, फिर दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, जो कॉमन है वो चीज क्या है 12 का मल्टीपल है। एक बात ध्यान रखना 12 का मल्टीपल है यहां पे सब। ठीक, 12 कैसे आया, वो 12 आया एलसीएम लेने पे, 4 एंड 6 का, 4 एंड 6 का एलसीएम आया 12। मतलब क्या है 12 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से भी क्या होता है डिविजिबल होता है और 6 से भी डिविजिबल होता है, तो जो 12 का मल्टीपल रहेगा वही तो क्या रहेगा 4 एंड 6 से डिविजिबल रहेगा वही तो। ठीक, तो 12 का हमने टेबल लिख दिया 100 से आगे, हम लोगों के पास सीरीज बन गई एपी की, हमें पता फर्स्ट टर्म 108 है, लास्ट टर्म 600 है, कॉमन डिफरेंस 12 है, क्यों, क्योंकि 12 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, 12 का टेबल चल रहा है 600 तक। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाया हम लोगों ने, क्या लगा दिया एपी, हमें पता है कि एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो निकालने हैं, इंटीजर्स मतलब क्या, नंबर ऑफ इंटीजर्स मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कितने टर्म्स हैं। अगर 4 के लिए बोला जाता तो हमारे पास सिर्फ ये इक्वेशन आती, हम लोग क्या कर देते एपी लगा देते, अगर 6 से बोला जाता सिर्फ ओनली 6 तो हम लोग क्या करते ये इक्वेशन लगा देते एपी लगा देते, लेकिन दोनों के लिए बोला गया तो हमें क्या लेना है, कुछ नहीं करना है। अगर 2 को बोले जाए 4 का बोला जाए, ठीक, ऐसे 5 टर्म्स बोले जाए कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए 4 5 6 7 8, हम सभी का एलसीएम ले लेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे और क्या करेंगे 100 एंड 600 के बीच में क्या कर देंगे लाई करवा देंगे, उसकी टेबल लिख देंगे, उसकी मल्टीपल्स लिख देंगे और एपी लगा देंगे। ठीक, क्लियर है बात। जैसे इस टाइप में क्या है, 3 क्वेश्चन हम लोगों के 4 5 एंड 6 के लिए, तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे 4 5 एंड 6 का, कितना आ जाएगा एलसीएम, आ जाएगा हम लोगों के पास एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम कितना आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम, तो हम लोग क्या करेंगे 60 का टेबल लिख लेंगे 400 से ज़्यादा, मतलब 420 480 इस टाइप से। यहाँ तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमारे पास नंबर जो है क्या है छोटे हैं और हमारे पास जो एलसीएम है वो बड़ा है, ये क्या हो जाएगा 420 480 540 इस टाइप से कैलकुलेट कर लेंगे। एन हम क्या हो जाएगा हम लोगों का 800 से सबसे छोटा, 800 से जस्ट छोटा 60 का कौन सा मल्टीपल है 720 780, लास्ट टर्म होगी 780, फर्स्ट टर्म होगी 480, कॉमन डिफरेंस पता है जो एलसीएम में वही रहेगा कॉमन डिफरेंस, एलसीएम कितना हो गया 60, एन माइनस वन एन इक्वल टू एम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या सॉल्व कर लेंगे एन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है बात, हमने कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लो जितने नंबर्स दिए हैं, अगर एन लगा है दोनों से, ऐसा नहीं कि 4 से भी और 6 से भी, ये इंग्लिश वाला एंड है, ठीक, ये और है, ठीक, ये हिंदी में और है, ठीक, 4 एंड 6 दोनों से होना चाहिए, दोनों से हो जाए तो कुछ नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ एलसीएम ले लो और क्या कर दो क्वेश्चन को रिड्यूस कर दो, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 600 विच आर डिविजिबल बाय एलसीएम, ले लिया तो ये क्वेश्चन किस चीज में रिड्यूस होगा, विच आर डिविजिबल बाय 12, विच आर डिविजिबल बाय 12, ये सारा खेल खत्म हुआ, सिर्फ यहां से हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, इतना सा आंसर आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक,
ये सिर्फ समझाने के लिए था कि एलसीएम क्यों लिया है। एलसीएम ले लो, उस क्वेश्चन को रिड्यूस कर दो जो एलसीएम आए उस चीज से, ठीक। और हम क्या कर देंगे, सीरीज लिख देंगे एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, अब कितनी फटाक से हो जाएगा देखना क्या है सॉल्यूशन इसका। हमने सबसे पहले देख लिया 4, 5 और 6 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। हमने एलसीएम ले लिया सबसे पहला काम, तो ये एक अच्छा काम किया कि एलसीएम ले लिया। कितना हो जाएगा एलसीएम हम लोगों के पास, हम लोगों के पास एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। 420 हो जाएगा सबसे पहला, 400 के बाद कितना होता है, 7 × 16 × 7 = 420 = 480 = 540। 800 से जस्ट पहले 60 का कौन सा मल्टीपल होता है, 780। AN पता है हमें, A पता है, कॉमन डिफरेंस पता है कितना, 60। हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। क्या है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हो गया, 360 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू एन माइनस 1। ये कितना हो गया, एन इक्वल टू 6 + 1, एन इक्वल टू 7। मतलब ऐसी 7 टर्म्स आएंगी, ठीक, सिर्फ 7 आएंगी। अगर 4 से बोलता तो बहुत सारी आ जाती, 5 से बोलता तो बहुत सारी आ जाती, 6 से बोलता तो भी बहुत सारी आ जाती, लेकिन हम लोगों से 4, 5 और 6 के लिए बोला है, ठीक। एन कितना है, 7। देख लेते हैं क्या 7 टर्म्स है क्या। सबसे पहले टर्म 420, दूसरी 480, तीसरी 540, उसके बाद 600, उसके बाद 660, उसके बाद 720, उसके बाद 780। फिर तो 800 के पार पहुंच जाएगा, 840 के पार। 60 माइनस करेंगे 360 हो जाएगा, 400 से कम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हाँ बिल्कुल, 7 टर्म्स आई थी हम लोगों के पास, हम लोगों ने देख लिया कि 7 टर्म्स है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम रहेगा वही कॉमन डिफरेंस रहेगा। एलसीएम वाली सीरीज लिख दो जो इंटीजर्स दिए उसके बीच में, और क्या लगा दो, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है बात।